स्कूल की क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल समावेशी शिक्षा। तो ये जो पेपर होता है ये भी 40 नंबर का पेपर होता है और इसका जो समय होता है वो 3 घंटे होता है। इसमें 2 खंड होते हैं, खंड ए में 4 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं और 1 क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। इसी प्रकार खंड बी में जो है आपको 7 क्वेश्चन आएंगे, 7 में से 4 करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा आपका वो 5 अंक का होगा। तो इसमें जो छात्र MJP RU की परीक्षा देने वाले हैं BEd की 2022 में, तो उनके लिए बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो ऐसा है कि संभावित प्रश्न इसी प्रकार के होंगे। तो सेक्शन ए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मैंने अभी आपको बताया। तो इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 10 मार्क का होता है, 10 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन देखिए, समावेशी शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करो, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य और आवश्यकताओं का वर्णन करो। तो आपको जो है इसका मतलब वर्णन करना है किसका, इंक्लूसिव एजुकेशन का, और उसकी शिक्षा के उद्देश्य और आवश्यकताओं का वर्णन करो। दूसरा क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वर्णन करो, समावेशी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वर्णन करो, यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर इंक्लूसिव टीचर्स। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक समय में समावेशी शिक्षा के लिए समावेशी विद्यालय के योगदान को लिखिए। तो जो समावेशी शिक्षा के लिए जो विद्यालय का योगदान है हमें वो लिखना है आपको। आगे क्वेश्चन है, अनुदेशन से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार से बाधित बालकों की शिक्षा हेतु आप किन अनुदेशनात्मक रणनीतियों का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार मैंने यहाँ आपसे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन की चर्चा की, 4 में से 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 10 मार्क का होता है, 10 नंबर का होता है। तो आप बिल्कुल आराम से एक काम करें, बहुत ही आराम से लिख सकते हैं, बहुत समय आपके पास में, आप आराम से पहले मतलब जो पहला 1 घंटा है उसमें आप पहला क्वेश्चन कंप्लीट करें, कितने भी पेज भरे जाएं आपके। उसके बाद अगले दूसरे घंटे में दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करें, 5, 6, 7 जितने भी खड़े पेज भरें भरने दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है 2 घंटे में 2 लॉन्ग क्वेश्चन करिए खंडे से घड़ी में देख कर, ठीक है। उसके बाद देखिए सेक्शन बी, यहाँ पर आपको 7 क्वेश्चन आएंगे, 7 में से आपको 4 करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 अंक का होगा। तो अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये है, एक आदर्श समावेशी विद्यालय की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, आदर्श समावेशी विद्यालय की कौन कौन सी विशेषताएं। दूसरा क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा को उन्नत बनाने हेतु नीतियाँ। तीसरा क्वेश्चन है, समावेशन को सफल बनाने के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक सुधारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, आपको इसमें संक्षिप्त वर्णन करना है। आगे क्वेश्चन है, टोली शिक्षण क्या है। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन, एक समावेशी शिक्षक के लिए निर्देशन एवं परामर्श क्यों आवश्यक है। 6वां क्वेश्चन देखिए, सहयोगी अधिगम क्या है, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावी बनाने में यह कैसे सहायक है। तो ये जो कोऑपरेटिव लर्निंग होता है ये कैसे सहायक होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, दृष्टि विकलांग बालकों के लिए शैक्षिक रियायतों व सुविधाओं का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से इसमें खंड बी में 7 क्वेश्चन थे। तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन में क्या है कि आप बिल्कुल, आपके पास 1 घंटा बचा, 15 मिनट में आप 1 क्वेश्चन करें, अगले 15 मिनट में दूसरा करें, अगले 15 में 3रा करें, अगले 15 में 4था करें, खूब आराम से 2-3 खड़े पेज भर जाएंगे आपके, और यानी कि आप बिल्कुल आराम से बहुत अच्छे से कर सकते हो। और देखिए लिखते समय ध्यान रखें, आप पॉइंट में लिखें, हेडिंग डालें, अगर आपको हेडिंग नहीं पता है तो स्टार बनाकर या कुछ भी करके आप 5-5 लाइन का पैराग्राफ बना के लिखें, और जो भी यानी कि अच्छी अच्छी बातें होती हैं आप जानते हो, आपको उनको हाईलाइट कर देना चाहिए ताकि एग्जामिनर की दृष्टि उन पर जाए। तो आप इस तरह से आराम से इस पेपर में 32, 33, 34, 35 तक अंक प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। और जो बच्चे MJP RU की परीक्षा देने वाले हैं BEd की, उनके लिए बहुत ही लाभदायक ये वीडियो होगा, सिद्ध होगा। और कोई भी आपका सुझाव हो तो आमंत्रित है, आप सुझाव दें, उसी पर हम काम करने का